नमस्कार, मैं आचार्य भाविन देसाई अहमदाबाद से आज आपसे ज्योतिष की कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय दे दूँ। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमए एमफिल पीएचडी इन फिलोसॉफी में है। उसके साथ मैंने ज्योतिष आचार्य और वास्तु आचार्य का भी कोर्स किया हुआ है। उसके अलावा भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटियों से करीब मैंने 200 सर्टिफिकेट कोर्स भी किए हुए हैं। तो आज मैं आपसे ज्योतिष की कुछ प्राथमिक बातें हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ज्योतिष विद्या है और ये बेसिकली अपने वेदों में से आया हुआ है। वेदों में ज्योतिष विद्या के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि ऋषि मुनियों ने ये बनाई हुई विद्या है। तो हम जब ज्योतिष पढ़ाते हैं या हम ज्योतिष जानते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वे कौन कौन से ऋषि थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जिनकी वजह से आज हम ये विद्या का लाभ ले रहे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ वो प्रमुख ऋषि कौन है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। तो मित्रों, जब हम बात करते हैं ऋषियों की कि वो प्रमुख ऋषि कौन है जिन्होंने ज्योतिष विद्या के ऊपर काफी काम किया है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ का निर्माण किया था जो ज्योतिष की प्राथमिक पुस्तिका मानी जाती है। पराशर ऋषि के पुत्र थे वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के शिष्य थे बादरायण और बादरायण जी के शिष्य थे जैमिनी ऋषि, जिन्होंने जैमिनी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें कर्मकांड के बारे में काफी डिटेल से बात किया हुआ है। उसके बाद पराशर ऋषि के ही शिष्य थे मैत्रेय ऋषि, उनके शिष्य थे सत्याचार्य ऋषि और उनकी परंपरा में ही थे वराहमिहिर। वराहमिहिर ने होरासार, बृहत जातक, बृहत संहिता, सारावली, जातक पारिजात, सर्वार्थ चिंतामणि और लघु पराशरी ये ग्रंथों का निर्माण किया हुआ है जो आज हम पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्तमान समय में यही ग्रंथ है जिनका हम उपयोग करते हैं ज्योतिष पढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ भृगु ऋषि उन्होंने 500,000 कुंडलियों का अभ्यास करके भृगु संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी जो फलित ज्योतिष का प्रथम पुस्तक माना जाता है। उसके बाद थे गर्ग ऋषि भरद्वाज ऋषि के पुत्र और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के भाई थे। गर्ग ऋषि ने नारद संहिता, रावण संहिता, भृगु संहिता, अरुण संहिता, वाराही संहिता और गर्ग संहिता इन ग्रंथों का निर्माण किया था, जिसमें से गर्ग संहिता में उन्होंने ज्योतिष और वास्तु के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है। जो हम 27 नक्षत्र की बात करते हैं, यहाँ 27 नक्षत्र जो हम पढ़ाते हैं वो 27 नक्षत्रों की खोज भी गर्ग ऋषि ने ही की थी। तो ये कुछ प्रमुख ऋषि है, पराशर, वेदव्यास, बादरायण, जैमिनी ऋषि, मैत्रेय ऋषि, सत्ताचार्य, वराहमिहिर, भृगु ऋषि, गर्ग ऋषि। तो हमें इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए आज मैं आपसे ये शेयर करने के लिए आया हूँ। ऋषि को जानने के बाद अब हम थोड़ा इस कुंडली के बारे में जानते हैं कि ज्योतिष है क्या, कुंडली क्या है, उसका हम थोड़ा माहिती मैं आपको दे रहा हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं जन्माक्षर क्या है। जन्माक्षर यानी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान का दर्शन कराते। प्रकृति द्वारा व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसके जन्म समय पर लिखे गए अक्षर। हालांकि ये अक्षर सीधे साधे लिखे नहीं होते हैं, पर उनको एक निश्चित पद्धति से आकृति के स्वरूप में लिखा जाता है जिसको जन्म कुंडली कहते हैं। यानी ये बात पक्की है कि जो जन्माक्षर है वो किसी ऐसे ही लिखा हुआ नहीं होता है, वो व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर ही बने हुए होते हैं और कर्मों के आधार पर ही ये बन के आते हैं। यानी कि आप समझिए कि जैसे ये हमारा जीवन चल रहा है और उसमें हमारे पास जो जन्माक्षर रहते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर बने हुए होते हैं। ये जो हम कुंडली लेके आते हैं वो हमारे इस जन्मों के कर्मों की नहीं होती है। यानी कि इस जन्म में हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो वो हम अपने आने वाले जन्म की कुंडली बना रहे हैं, ये इसका सीधा मतलब होता है। जन्म कुंडली जो होती है उसके प्रमुख दो भाग होते हैं, गणित कुंडली और फलित कुंडली। यानी जातक के जन्म समय पर आकाश में रहे 12 राशि
9 ग्रह और 27 नक्षत्र की स्थिति के आधार पर आकाश दर्शन कराती आकृति वो जन्म कुंडली होती है। अब जन्म कुंडली का मनुष्य से क्या संबंध है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आकाश में सभी ग्रह सूर्य के बाहर की अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। अब जब कोई एक ग्रह किसी एक नक्षत्र से गुजर रहा हो तब वो कुछ निश्चित फल प्रदान करता है। तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने ये अभ्यास किया कि जो ग्रह वर्तमान में स्थित जिस नक्षत्र में है जो फल दे रहा है वही ग्रह घूमते घूमते फिर से जब वही नक्षत्र में आता है तो ऐसा ही फल देता है। इस तरह ग्रहों का अवलोकन और मानव जीवन दर्शन इन दोनों को एक सूत्र से जोड़ती नियमावली ज्योतिष विद्या में है। तो मित्रों, मैंने ये कुछ आपको ज्योतिष की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हमें पता होना चाहिए। अब ज्योतिष में एक दूसरा टॉपिक होता है रेमेडी का। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो लोग हमसे पूछने आते हैं कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अभी आप देखने जाओ तो ज्योतिष जो है वो अपने आपने मैंने अभी आपको आगे बताया था कि जो हमारी जन्म कुंडली बनती है वो हमारे कर्मों के आधार के ऊपर बनती है, और जो जन्म कुंडली है वो हमें अपना भूत भविष्य और वर्तमान की क्या स्थिति है वो हमें दिखाती है। यानी हम ज्योतिष में यही पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या हुआ है या क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। हम उसका कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं। उपाय का जो टॉपिक है वो कर्मकांड में आता है। जब ज्योतिष लिखा गया था तब उसमें कोई उपाय नहीं थे। जो हमारा पुराना वैदिक ज्योतिष है उसमें उपाय की कोई बात नहीं की है, सिर्फ उसमें फलित ही दिखाया हुआ है कि आप फलित कैसे कर सकते हो। तो उपाय जो होते हैं वो फलित में नहीं आते हैं, वो बाद में कर्मकांड जब हुआ स्थापित तब कर्मकांड में से ये सब उपाय आए हुए हैं। तो हम जो उपाय अभी करा रहे हैं वो सब कर्मकांड के हैं, ज्योतिष से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। अभी रेमेडी के बारे में जब हम बात करते हैं कि हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी जो तकलीफ हो वो थोड़ी कम हो जाए, तो रेमेडी ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। जैसे जैसे आपके ऊपर अगर कोई मुश्किली है, कोई तकलीफ है, तो आप रेमेडी द्वारा उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो। लेकिन रेमेडी क्या करती है कि आपका जो पीरियड है, आपका जो समय है वो थोड़ा लंबा कर देते हैं। यानी कि आप जब रेमेडी करते रहते हो, उपाय करते हो, तो आपका जो मन है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो डाइवर्ट होने की वजह से आपको लगता है कि आपके ऊपर से ये मुश्किली कम हो गई है या वो निकल गई है, तो आपका जो दिमाग है वो उस रेमेडी में ही लगा रहता है और आप जो तकलीफ है, जो मुश्किली आई हुई है उसमें से आपका दिमाग साइड में चला जाता है। यानी कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है रेमेडी की। फिर भी मैंने कुछ रेमेडी के बारे में लिखा हुआ है और करीब 6-7 पेज की रेमेडी मैंने बनाई हुई है, उपाय बनाए हुए हैं जो बहुत ही सरल है, सामान्य आदमी भी वो कर सकता है। अगर किसी को ज्योतिष के पास नहीं जाना है, अपने आप ही उसको वो रेमेडी करनी है, तो उसके लिए मैंने एक PDF फाइल बनाया हुआ है, वो मैंने रोहित जी के साथ शेयर भी किया हुआ है। तो रोहित जी बाद में सबके साथ वो शेयर करेंगे। तो अगर आपको आपका लग्न पता है कि आपका लग्न कौन सा है तो वो तो उसके आधार पर आप उसमें से कुछ उपाय है वो कर सकते हैं। वो जो मैंने उपाय बताए हुए हैं वो बिल्कुल ही आसान उपाय है, उसमें कुछ भी ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, और किसी ज्योतिष के पास गए बगैर या कोई विधि विधान करे बगैर आप खुद ही वो करके कुछ उसमें से आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मेरा वक्तव्य मैं यही समाप्त करता हूँ, और किसी को अगर और कुछ जानना हो या कुछ डिटेलिंग चाहिए किसी बात की, या किसी को कुछ डाउट हो मेरी बात के ऊपर और वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वे मेरा पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।